गाइस, हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सलोरी सिस्टर व्लॉग्स। सो कैसे आप सभी लोग? वी होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी हम लोग नहा के तो आ गए हैं। मैं भी यहाँ पे हूँ और माही भी नहा के आ गई है, और अभी हम करेंगे पूजा। तो पहले हम अपने घर के मंदिर में करेंगे, फिर जाके हम शिव मंदिर जाएंगे। चलो अभी हम पूजा करते हैं। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद सो गाइस, हम तो चलते हैं अब शिव मंदिर और वहाँ पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं मंदिर से। गाइस वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ थी पानी चढ़ाने के लिए भी ना, मतलब घंटे लग गए। मतलब घंटे तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब बहुत देर लगी गाइस। सो गाइस, हमारे गढ़वाल का ये कल्चर है कि जो महाशिवरात्रि होती है ना, उस दिन चार चीजें भुनी जाती हैं, सोयाबीन, काली भट, चौलाई यानी कि चूआ। यहाँ पे मतलब कई जगहों पे इसे चौलाई भी कहा जाता है, तो हम तो इसे चूआ कहते हैं, और गेहूँ। तो आप कह रहे होंगे कि अभी आप क्या भून रहे हो, तो अभी हम भून रहे हैं चूआ और सोयाबीन मम्मी ने ऑलरेडी भून लिया है। अब आप कहोगे कि काली भट और गेहूँ का क्या, गेहूँ का तो हम आटा यूज़ करते हैं, और रही बात काली भट की, तो आपको ये भी पता होगा कि काली भट बस उत्तराखंड में मिलती है और हमें गांव जाए हुए बहुत टाइम हो गया, तो हमारी काली भट ख़त्म हो गई। तो हमने अभी ये दो चीज़ें भून ली, सोयाबीन और चूआ। सो गाइस, अभी तक मैं और माही गए थे मंदिर, तो अब मम्मी जाएंगी मंदिर, तो मम्मी ने अपनी पूरी थाली वाली सजा ली है। सो गाइस, मैं और मम्मी आए हैं अभी श्री बद्री केदार मंदिर पूजा करने के लिए, जो कि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो अभी चलो हम इसके अंदर चलते हैं। आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे ऊपर लिखा है श्री बद्री केदार मंदिर, तो हम अंदर जाते हैं पूजा करने के लिए। और हाँ गाइस, आपको सामने दिख रही होगी एक सुंदर सी सीनरी, आप बोलोगे सीनरी है ये, बट नहीं, ये सीनरी नहीं है, ये पेंटिंग कर रखी है। इतनी सुंदर सी पहाड़ों की पेंटिंग कर रखी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है वाली पेंटिंग। सो गाइस, हमने अपनी अलमारी कर दी है सेट, और अभी मैं खा रही हूँ यहाँ पे चूहा, और माही। गाइस अभी हो रहे हैं 3:30 होने को, 10 मिनट बाकी है, और 3:30 होने को 10 मिनट पे मींस 3:20 पे मैंने अपना व्रत तोड़ दिया, क्योंकि अब मेरे से नहीं रहा जा रहा। मैंने मम्मी ने अभी तक बस एक नहीं तो दूसरा बेर खाया होगा, और मैंने अभी तक 10-15 बेर खा लिए होंगे, पर तब भी मेरे पेट को शांति नहीं मिली, तब मैं व्रत तोड़ा। इससे कम तो मैंने खाया, और तब भी मैंने अभी तक व्रत नहीं तोड़ा, और मैं अभी मेरे को भूख लग गई, तो इससे मैं अभी चूहा खा ली। सो गाइस, अब हम खाएंगे आलू का हलवा। हमारे जो ऊपर आंटी रहती हैं, उन्होंने भी व्रत रखा है, तो उन्होंने बोला तुमने भी आज व्रत रखा है, तो मैंने आलू का हलवा बनाया, तो सब खा ले, खा लो मतलब, और टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे कैसा है। सो गाइस, बस अब हमने रात की पूजा वूजा कर ली है, तो अब हम खाएंगे खाना। मेरा तो व्रत टूट गया। हाँ, अब माई का व्रत तो टूट गया था। जब मैंने खाना खा लिया था, उसके बाद मैंने कुछ भी व्रत वाली चीजों के अलावा कुछ नहीं खाया था, कुछ भी, क्योंकि उस टाइम मेरे मन में ना लालच आ गया था, क्योंकि आलू गोभी। गाइस देख लो, इस माही के इंसिडेंट से ना एक चीज, आपको एक लेसन आपने सीख लिया होगा, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। तो गाइस, बस यही होती है हमारी वीडियो एंड, और अब बस हम खाना वाना खाएंगे, खीर भी खाएंगे, और बस यही हमारी होती है वीडियो एंड। कैसे लगे आपको हमारी आज का मिनी व्लॉग? अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जैसे आप हमारे मंदिर का घंटा भी बजा देना, वैसे क्योंकि वैसे शिवरात्रि है, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जैसे आप हमारे चैनल की न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में।